चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री महंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद इटावा डॉक्टर राम शंकर कठेरिया जी, माननीय विधायक इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य से पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से भाई प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद श्री रोगराज सिंह साख्य जी, आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, विश्वविद्यालय के सभी हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के आज लोकार्पित होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इटावा और आसपास के जिन जनपदों के लोग इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। एक हॉस्पिटल या एक संस्थान कैसे ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को भी आमूलचूल परिवर्तन करने में योगदान दे सकता है, यह आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेज उसके उदाहरण है। आपने देखा होगा कि 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे और आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 20 में बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं और जो 14 बाकी जनपद बचे हुए हैं उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर या देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चल रहा था। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में है और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सेफाई और इटावा के नाम से ही डरते थे,
लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं, और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहां के कार्मिक भी हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यहां पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और नज़दीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में आज की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है और होने की ओर अग्रसर भी है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास पुराने 7 मेडिकल कॉलेजेस थे। उन 7 मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य मेडिकल कॉलेज चलता था, यूजी पीजी की क्लासेस चलती थी, सुपर स्पेशलिटी का कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन 7 के लिए सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक स्वीकृत किए। इसमें गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, इन सभी जनपदों में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने। आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ही वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही मंशा है कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। आपने देखा होगा कि अब पिक एंड चूज नहीं होता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा का भाव यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। सबके लिए काम होना चाहिए और मोदी जी ने आने के पहले ही नारा दे दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना भी उसका एक उदाहरण है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों के ये आयुष्मान के कार्ड बनने हैं और उसमें से 5 करोड़ लोगों ने अब तक अपने कार्ड बना लिए हैं। शेष को बनाने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये चीजें दिखती हैं और लोग कितने तेजी के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि अगर सेफई के इस ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत में लाभ दिया है लोगों को,
तो शहरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को ये रहता है कि मैं पैसा बचा के रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा, उसको मालूम नहीं कि हर बार ये पैसा 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख खर्च हो जाता है वे फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आज 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को स्वास्थ्य विभाग ने कम कर दिया, जो पहले आधा घंटा 45 मिनट लगता था, और पेशेंट के लिए जो गोल्डन आवर होता था वो चूक जाता था। समय पे कार्डियक वैन नहीं थी, मुझे याद है भारत सरकार 2014 में कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती थी हर जनपद को, हर राज्य को, उत्तर प्रदेश ने नहीं लिया। हम लोग 17 में आए तो मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार प्रदेश को 150 कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराना चाहती है। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुरंत प्रस्ताव लेके जाओ और 150 एक महीने के अंदर 150 हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मिली हर जनपद को, हमने 2-2 दे दी। फिर हमने और आवेदन किया, फिर 100 और मिल गई। आज आप देखते होंगे हर जनपद में जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस 4-5 हर जनपद में मौजूद है। आप सोचिए, आप तो डॉक्टर हैं, आप इसकी कीमत को, इसके मायने को समझ सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है, उसका पहले घंटे की कीमत क्या होती है, गोल्डन आवर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस समय आज मुझे प्रसन्नता है, जिस राज्य में केवल 4-5-6 ही इस प्रकार की कार्डियक वैन थी, आज उस राज्य में हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। मैंने जब पहले वर्ष ही इसके आंकड़े देखे, मैंने कहा क्या लाभ इससे हुआ है, हजारों लोगों की जान को बचाने में इससे मदद मिली थी, हजारों लोगों की जान को बचाने में। 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को कम किया गया, पता लगा 45 मिनट की बात आ रहा है, आधे घंटे की बात आ रही, उसको कम करके 9-10 मिनट के अंदर करने का प्रयास हुआ है। इतनी देर के अंदर और फिर राज्य मुख्यालय से ही उसकी मॉनिटरिंग होती है, एक जगह में बैठ करके ही पता लग जाएगा कौन सी एम्बुलेंस कहां पर है। ऐसा नहीं कि वह इटावा से उसे सेफई में आना है और वो पता लगा कानपुर की तरफ भाग रहा है, मॉनिटर हो जाएगा, एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर सकते हैं, वहीं से उसको मैसेज भेज सकते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, पता लगा एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बहाने हॉस्पिटल ना जाकर के कोई और ही काम में लग व्यस्त है। तो उन कार्यों से भी उसको मुक्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा 75 के 75 जनपदों में आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली है। और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर को, जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है, एक गुरु को इस बात पे अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे एक डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होता है कि उसने जिस पेशेंट का उपचार प्रारंभ किया है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं, अच्छी दिशा में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट के साथ साथ आपको भी प्राप्त हो रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र का एक आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती, मुझे याद है पिछली सरकारों ने
इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1,00,000 रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1,00,000 से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता। फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आपको टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हमारे हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना। क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए, मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था, मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था, यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। मैं लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ, और मुझे प्रसन्नता है एक समय सीमा के अंदर आज बन करके तैयार हो गया है। 500 करोड़ रुपए एक सुपर स्पेशलिटी के पूरे ब्लॉक को बनने में खड़ा हुआ है, लगा है। इस सरकार इस सुविधा को उपलब्ध करवा सकती है, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार सुविधा उपलब्ध करा सकती है, संस्थान बनाने में योगदान दे सकती है, आधुनिक सुविधाएं दे सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मायने रखता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, वह आपका व्यवहार, एक पेशेंट का मरीज के प्रति व्यवहार। याद रखना, कोई मरीज वह ऐसे वातावरण से आपके पास आता है जहां पे किसी को भी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती, एक आशंका होती है, व्यक्ति सशंकित रहता है, पता नहीं क्या है कैसे है। जैसे आप लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं देख रहा था जो यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इतावा का भय नहीं था, आज सिपाही का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर कहते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब, रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज कहेंगे कि आगरा के सांसद यहां के सांसद है। यानी जब आप यहां पे आए, आज देखिए कोई संकोच नहीं, आपने यहां के वातावरण को देखा, आज आप यहां पे रमे हैं, यहां पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, आपके व्यवहार को जब यहां के स्थानीय नागरिक देखेगा तो उसके व्यवहार में भी और भी अच्छा परिवर्तन होगा। देख करके लोग सीखते हैं, जानते हैं, आपको उनकी अच्छी चीजों को अपनी ओर अपने साथ ले जाना है, और वे आपकी अच्छी चीजों को वे लोग भी अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। ऐसे में ही एक व्यवस्था आगे बढ़ती है और देश के विकास के संकल्प को तब हम आगे बढ़ा पाएंगे। पेशेंट जब आता है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, एक आशंका होती है पता नहीं क्या बीमारी हो गई, और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो जो देखने वाले जाते हैं वो सबसे पहले कहते अरे भैया तू बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जो है अब बहुत बीमार लगता है। मुझे आश्चर्य होता है कि आप उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर देखने वाला पहले जाकर के बोले अरे भैया तू बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लगता नहीं कि तू बीमार हो, काहे चिंता कर रहे हो, आप देखना उसकी आधी बीमारी वैसे दूर हो जाएगी। ऐसे ही चिकित्सक, याद रखना बीमारी मनोकायिक तो होती ही है, यानी शारीरिक और अंतःकरण की कोई व्याधियों से तो है ही, लेकिन उसमें मनोवैज्ञानिक असर भी होता है।
व्यक्ति जब ये मान लेता है मैं बीमार हूं तो अवश्य बीमार हो जाता है। जब वो मान लेता है कि मैं बीमार नहीं हूं तो बीमार भी सरपट दौड़ पड़ता है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको कहते हैं कि भाई तुम तो जो है बहुत बीमार हो, तुम्हारा उपचार होना कठिन होगा, तो ये मान के चलिए कि आपने उसको और बीमार कर दिया। कितना उपचार उसको करेंगे, कितनी दवा देंगे, समय पे ठीक नहीं होगा। और इसलिए कभी कभी डॉक्टर भी बोल देते हैं भैया तो अब दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। लेकिन आते ही बीमार से बीमार व्यक्ति को अगर आप पहले दिन कह देंगे कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो सामान्य चीज है भाई, थोड़ा है बस ये सावधानी बरत लो, ठीक हो जाओगे, तो मान लेता कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं, भाई मैं तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे याद है मेरे गुरु जी 90 साल के थे, कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको मेदांता में लेके जाता था दिल्ली गुड़गांव में। तो जब तक डॉक्टर देखता था तो डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर ने कह दिया आप तो बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद अपनी छड़ी उठा के मुझसे कहते चलो भाई अब चला जाए। मैं कहता आप बीमार है कुछ रुक जाइए। कहा रे डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है। मैं कहता देखिए कितना असर होता है 90 साल की उम्र में, पर डॉक्टर ये कहे कि भाई आप तो एकदम ठीक हैं, वो तुरंत अपनी छड़ी उठाते थे, कहते मैं चलो चला जाए अब गोरखपुर वापस चलते हैं। मैं कहता था नहीं कुछ देर रुक जाइए, एक दो दिन रुक जाइए, जब आए हैं तो 2-3 दिन आराम कर लीजिए यहां पे। कहते नहीं नहीं अब तो डॉक्टर बोल चुके हैं। कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है वह आपको देखना होगा। पेशेंट के साथ आपका व्यवहार बहुत सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, उसके पारिवारिक स्थिति को देखना पड़ेगा, और हमारा व्यवहार उसमें बहुत मायने उसके लिए रखता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने की सबसे पहली कला यही है, हम उसकी समस्या को समझें, न कि अपनी समस्या को उस पर ला दें, और उसकी समस्या के समाधान का रास्ता अपने व्यवहार के माध्यम से निकालें। एक दूसरा, हम केवल एक चिकित्सक के रूप में सामान्य उपचार का ही के लिए ही कार्य करते हैं। याद रखना हर पेशेंट आपके लिए एक प्रयोगशाला भी है, उसके लक्षण को जानना है। मुझे याद है मेरे एक सहयोगी संत थे, 2007-08 की घटना है, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भी तुम कहां हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लखनऊ में उपचार करा रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया, कहा मैं बीमार हूं। तो मैंने कहा मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलोगे, दिल्ली दिखा देते हैं, चलिए एम्स में। मैं सांसद था उस समय, तो उसने कहा मैं तो एडमिट हूं, तो मैंने कहा एक काम करो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करा दे रहा हूं, मेरे साथ दिल्ली चले जाओ। अच्छा मैं समझा कि एक सामान्य बीमार होगा, तो रात्रि को ट्रेन जैसे ही पहुंची 10 बजे स्टेशन लखनऊ स्टेशन पे, तो 4 लोग उसको टांग करके ले गए। मैंने कभी मैंने कहां से बवाल ले लिया, अब 4 लोग तो हैं, मैंने 2 ही सीट रिजर्व करा रखी है। तो मैंने उनको खैर किसी प्रकार से बुलाया, टीटी को बुलाया, मैंने कहा 2 और सीट कराओ भी किसी प्रकार से। रेलवे स्टेशन पे दिल्ली एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस मंगाने के बाद फिर वहां पे उनके उपचार के एम्स में लेके गया। प्रोफेसर दबे वहां पे डायरेक्टर थे एम्स के, मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है एक पेशेंट हम भेज रहे हैं। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी चलता हूं, मैं भी वहां गया देखा। मैंने तब तक प्रोफेसर दबे ने अपने चैम्बर में ही उनको बुलाया, तो पेशेंट के लक्षण को देखते हुए ही उन्होंने कहा इनको कोई बीमारी थोड़ा है,
अरे हमने कहा इसको चार लोग टांग के ला रहे हैं, आप कह रहे हैं बीमारी नहीं है। कहा नहीं नहीं कोई बीमारी है, सब अब इन्होंने स्वयं पाला हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इनको बोलो जी कि क्या होता है, इनको बोलो समय पे जगह करें, समय पे भोजन किया करें, समय पे सब नियमित दिनचर्या अपनाएं, कोई समस्या नहीं है इनको। और उन्होंने उनकी बेल्ट लगी हुई थी पीछे, उन्होंने कहा सब बेल्ट को उतार करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। कहा सब वो कहते हैं मैंने 6,000 रुपये में खर्च किए इसके लिए। वो कहते तो 6,000 तुम्हारी पूरी बॉडी को खराब कर देगा, इसको फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा इनको लेके जाइए, कोई बीमारी नहीं है और इनको केवल एक मैं दवा दे रहा हूं, जब पेन हो तभी देना मत, बाकी मत दिलवाना। जब एक थोड़ा भी इनको रिलीफ हो इनको थोड़ा योगासन सिखा दीजिए, समय पे जगे, समय पे सोए, नियमित दिनचर्या जीवन जिए, कोई बीमारी नहीं होगी। और मैं देख के ताजुब कर रहा था, 1 महीने के बाद वही व्यक्ति मेरे पास अपने पैरों से चलते हुए आया और कहने लगा साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप देखिए एक डॉक्टर केवल देख के बोल रहा है, और नहीं तो वो पता नहीं कितने 1,000 रुपये वो खर्च कर चुके थे। हमें अनुभव एक एक चीज को बकायदा, आपके पास BST जब किसी पेशेंट की बनती है तो आपके लिए स्टडी का माध्यम बनना चाहिए। स्टडी करिए, अपना स्टडी पेपर तैयार करिए, रिसर्च पेपर उससे तैयार होगा आपका। आपकी स्टडी नए छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन में आप अपने स्टडी पेपर को भेज सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं आपको एक बात का उदाहरण आपके सामने देता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की एक बीमारी थी, 1977-78 में बीमारी वहां देखने को मिली। हर वर्ष वहां से प्रारंभ होते होते ये सहारनपुर तक पूरे नेपाल के तराई के बेल्ट में पूरे होते होते वहां तक पहुंच गई थी, और 1200 से लेकर 1500 मौत प्रतिवर्ष होती थी। बहुत खराब स्थिति होती थी। मैं 1998 में सांसद बना तो मेरी नियति थी संसद चलता था तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाता था, जब संसद नहीं चलती थी तो सड़क पे आंदोलन करता था। लेकिन 2017 में मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने कहा भी अब तो ना मैं उठा सकता हूं ना आंदोलन ही कर सकता हूं, तो अब मुझे इसके लिए लड़ना होगा। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के को नोडल विभाग बनाकर के एक अंतर विभागीय समन्वय से, क्योंकि तब तक मेरे पास अनुभव भी हो गया था, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी इसकी प्रारंभ करा दी थी, रिजल्ट जहां के तहां थे, बैक्टीरिया ने अपना वायरस ने अपना नेचर चेंज कर लिया था। और उसके बाद हम लोग लगातार कार्य करते, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था इस महामारी में हमें बचाव के साथ साथ यहां पे उपचार दोनों को एक साथ लागू करना होगा। और तब मैंने 12-13 विभागों को मिलाकर के एक अंतर विभागीय समन्वय तैयार किया था, टीम गठित की थी और एक साथ कार्यक्रम चलाए। आज भी स्वास्थ्य विभाग उस कार्यक्रम को चला रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, अगले 4 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह हम नियंत्रित करने में सफलता पाई। अब मैं गोरखपुर में जाता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज वहां पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट नहीं देखने को मिलते, आज कोई पेशेंट नहीं है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर तक कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बल्लामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, आपके लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक भय और दहशत का माहौल होता था। पता नहीं कौन बच्चा 1 से 15 वर्ष तक का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। और आज एक निश्चिंतता है, सरकार ने स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया, स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, अन्य सुविधाएं भी दी, लेकिन बचाव के लिए किए गए प्रयास
आज उसके परिणाम हम सबके सामने और अंतर विभागीय समन्वय कैसे उसमें बेहतर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, डॉक्टर उपचार तो करते थे गोरखपुर में, पूरा ईस्टर्न यूपी गोरखपुर के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते थे उपचार कराने के लिए, लेकिन इस पे कोई स्टडी पेपर किसी भी डॉक्टर ने तैयार नहीं किया, किसी ने नहीं तैयार किया। आपके पास एक अवसर है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अभी से हम प्रोजेक्ट अपना तैयार करने की तैयारी, अपनी तैयारी करें। दोनों फैकल्टी मेंबर के लिए भी आवश्यक है, स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है, यूजी पीजी या सुपर स्पेशलिटी में जो भी लोग यहाँ पे एमसीएस में भी या डीएम की पढ़ाई आगे आने वाले समय में होगी, तो इन सभी के लिए भी आपके लिए भी से तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको इस सफलतम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और यह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं मानवता के लिए उपयोगी होगा। दुनिया के अंदर आज इसकी आवश्यकता है, इस पूरे एशिया क्षेत्र रीजन में ही नहीं बल्कि हम दुनिया के उन देशों में जो जिसको आप तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं, किस रूप में आज भी वे लोग जीने के लिए मजबूर हैं, आपका यह शोध उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, शेष मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है, और इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये पक्ष हमारा छोड़, जबकि डाटा आपके पास मौजूद है, पूरी लड़ाई तो इस समय डाटा की चल रही दुनिया में, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लड़ाई, ये जो आपको ये जो फ्री में कॉल की सुविधा मिल रही है, हम लोग खुश हो जाते हैं इसी में कि चलिए फ्री में आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों फ्री में, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप जितनी बार कॉल करेंगे सारे डाटा तो कैप्चर हो रहे हैं उसके पास, और उसी को बेचने का काम करता है, उसी से पता लग जाता है आपकी रुचि किस विषय पे, आप क्या करना चाहते हैं, और उसी में दुनिया भर की कंपनियां कार्य करते हुए उसी प्रकार का एड तैयार करके फिर अपना मार्केट करके दुनिया के अंदर सबसे धनी लोगों की श्रेणी में खड़े हो गए। हम लोग ये मानते हैं कि अरे हमें तो फ्री में मिल गया, लेकिन हम उनके लिए मार्केट बन गए। हमें इन बातों को जरूर ध्यान रखना होगा, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे जहाँ इस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी के नए हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, वहीं साथ ही साथ यहाँ के नवनियुक्त कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र में मैं देख रहा था देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग आए, अच्छे लोग आएंगे, कार्य करेंगे, अपने स्किल को यहाँ के स्किल के साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है, मैं विश्वविद्यालय को इस अच्छे प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पे जनपद में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो विकास के कार्य स्वीकृत कराए थे उनका भी आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, हर घर नल की योजना से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, और अन्य तमाम प्रोजेक्ट भी हैं। मैं इसके लिए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इटावा वासियों के लिए इसको इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूँ कि वे सभी इसका लाभ प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बेहतरीन स्वास्थ्य का एक केंद्र बने। हमें यहाँ कैंपस में, मैं एक अपील जरूर यहाँ के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आचार्य हैं, उन सब से मैं इस बात के लिए अपील करूंगा, पेशेंट को सीमित न रखें कि मैं 5 ही पेशेंट देखूंगा या 10 ही देखूंगा, जितने आते हैं सबको देखिए, हर व्यक्ति एक नया अनुभव आपको देगा, एक नया आपके लिए रुचि, और पेशेंट देखते समय अपने तनाव को दूर करके जाइए, एकदम तनाव मुक्त करके देखिए, परिणाम बेहतर आप दे पाएंगे, अच्छे खुशहाल माहौल में आपको इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बेहतर परिणाम आप देने में सफल होंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।